दिल्लीना डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की धरपकड़ करवामां आवी। शराबकांड में सीबीआईए मनीष सिसोदिया की धरपकड़ करी छे। दिल्लीनी राउज एवन्यू कोर्ट में सिसोदिया ने रजू कराशे। कोर्ट में रजू कर्या पहला सिसोदिया नु मेडिकल चेकअप थशे। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार आरोपसर धरपकड़। 8 कलाकनी पूछपरछ बाद सिसोदिया की धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। त्यारे पूछपरछ में सिसोदियाए गोड़गोड़ जवाब आप्या तेवुं सीबीआईए कहेवुं छे। साथे ए पण कह्युं छे के सिसोदिया सामे पुरावा होवा छतां पण तेमणे पूछपरछ में सहयोग न कर्यो। भगत सिंह के लोग बच्चों के स्कूल्स के पास शराब के ठेके नहीं खोलते। शराब माफिया के साथ मिलकर जनता को नहीं लूटते। क्या रिश्ता है आपका माफिया के साथ, देश जानना चाहता है। देखिए, बड़े लंबे अरसे से सीबीआई सिसोदिया साहब के पीछे पड़ी है, और सिर्फ सिसोदिया नहीं, पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ पड़ी है। हमारा प्लीनरी सेशन है रायपुर के अंदर, वहां छापे डाले जा रहे हैं, ईडी एक्टिव हो गई है। देश के अंदर लोकतंत्र नाम की अब कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। टू अटेंड बिफोर द सीबीआई ऑफिसर्स इन कनेक्शन विद द लिकर पॉलिसी ऑफ द दिल्ली, बीइंग ए मिनिस्टर मनीष सिसोदिया'स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड बिफोर द सीबीआई ऑफिसर्स। दिल्ली में आपनी ऑफिस पर पोलिस बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो छे। मोटा प्रमाण में पोलिस नो काफलो तैनात करायो छे। दिल्ली माथी आपना कार्यकर्ताओ एकठा थई रह्या छे। आपना कार्यकर्ताओ भाजपनी ऑफिस नी बहार प्रदर्शन करशे। भाजपना कार्यालय बहार पर चुस्त पोलिस बंदोबस्त। भाजपनी ऑफिस सामे 12 वागे आम आदमी पार्टी ना कार्यकर्ताओ विरोध नोंधावशे। सीबीआई ऑफिस बहार आपनो विरोध प्रदर्शन। विरोध करी रहेला आम आदमी पार्टी ना कार्यकर्ताओ नी अटक पण कराई छे। अजय हमारी साथ ही जुड़ाई गया है। अजय, आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध भी करेंगे 12 बजे। क्या स्थिति है आज दिल्ली में? देखिए, निश्चित तौर पे मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है सीबीआई के द्वारा, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी का न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी, खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब और कहा जा रहा है गुजरात में भी प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में न सिर्फ जहां पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है उससे महज 300 या 400 मीटर की दूरी पे आम आदमी पार्टी का भी कार्यालय है, और कह सकते हैं कि बहुत कम दूरी है, जिसकी वजह से वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भी जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय न पहुँच पाएँ और दिल्ली पुलिस को खासी मशक्क़त न करनी पड़े। तो अपने हिसाब से दिल्ली पुलिस जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पहले से ही ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, ताकि हंगामा इतना बड़ा ना हो कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो 8 घंटे पूछताछ के बाद जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा चुका है, फिलहाल वो सीबीआई मुख्यालय में है, और कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसको इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1 बजे के करीब पेश किया जाएगा। ये राउज एवेन्यू कोर्ट भी जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है उससे महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होने की संभावना है। इसी वजह से जो दिल्ली पुलिस है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी मुस्तैद है, और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि इस मुद्दे को पूरे देश में भुनाया जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि किस तरह से मनीष सिसोदिया को बिना सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जबकि सीबीआई की तरफ से जब कल पूछताछ की गई थी उसमें यही कहा गया है कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ सबूतों के साथ उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। कई ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें जिसका जवाब कहीं ना कहीं सीबीआई चाहती है। तो आज 1 बजे जब राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया पेश किया जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं वो भी वहां पर विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। जो